बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर फ्रॉम लिटिल मास्टर्स मॉडल स्कूल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग सेफ एट होम। टुडे आई विल टीच यू अ पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज़ कैट एंड इट इज़ रिटन बाय मैरी बी मिलर। इन दिस पोएम द पोएट टेल अस द मूवमेंट्स ऑफ कैट। ओके, लेट्स स्टार्ट। कैट, बिल्ली। हैव यू एवर वॉच्ड अ कैट स्लीपिंग? क्या आपने कभी किसी बिल्ली को सोते हुए देखा? वट डज इट डू वैन इट वेक अप्स? क्या होता है कि जब वो उठती है? द पोएट टेक्स अस स्टेप बाई स्टेप थ्रू द मूवमेंट्स मेड बाई द कैट। जो शायर हैं वो स्टेप बाई स्टेप हमें बताएंगे वो मूवमेंट्स जो कैट करती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फिल्म। ये ऐसे ही है जैसे कि कोई फिल्म। द ब्लैक कैट योंस। एक काली बिल्ली जमाही लेती है। ओपन्स हर जॉस, अपने जबड़े खोलती है। स्ट्रेचेस हर लेग्स, अपनी टांगें फैलाती है। एंड शोज हर क्लॉज, और अपने पंजे दिखाती है। देन शी गेट्स अप, फिर वो उठती है। एंड स्टैंड्स ऑन फोर लॉन्ग स्टिफ लेग्स, और फिर खड़ी होती है अपनी चार मजबूत टांगों पर। एंड योंस सम मोर, और फिर दोबारा जमाही लेती है। शी शोज़ हर शार्प टीथ, फिर वो अपने तेज़ दांत दिखाती है। शी स्ट्रेचेज़ हर लिप, फिर अपने लब फैलाती है। हर स्लाइस ऑफ टंग टर्न्स अप एट द टिप। जब वो अपने लब फैलाती है तो जो उसकी ज़बान का एक टुकड़ा होता है या एक हिस्सा होता है टर्न्स अप, मुड़ जाता है टिप से, यानी कि नोक से। लिफ्टिंग हर सेल्फ, अपने आप को उठाती है। ऑन हर डेलिकेट टोस्ट, अपने नाजुक अंगूठों पर। शी आर्चेज हर बैक, फिर अपने जो बैक है उसे गुंबद, आर्चेज कहते हैं गुंबद नुमा को, फिर अपनी बैक को गुंबद की तरह उठाती है। एज़ हाई एज़ इट गोज़, इतना ऊपर या इतना ऊंचा जितना कि वो ले जा सकती है। शी लेट्स हर सेल्फ डाउन, फिर अपने आप को नीचे लेकर आती है। विथ पर्टिकुलर केयर, बहुत हिफाजत के साथ। एंड पैड्स अवे, और फिर खामोशी से गुजर जाती है। विद हर टेल, अपनी दुम के साथ। इन द एयर, हवा में लहराते हुए। तो ये तो पोइम थी कैट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी अच्छे से। और उसके बाद ये आपके पास इसका असाइनमेंट है। अगर आपको पोइम कैट अच्छे से समझ ना आए तो आप इसकी अंडरस्टैंडिंग जो मैंने उर्दू में लिखकर दी हुई है इसको आप समझ लें और अच्छे से समझ के देखें कि ये कैट में पोइम में कैट में शायर ने क्या बताया है कि जब कोई बिल्ली सो कर उठती है तो वो क्या क्या करती है। ये अंडरस्टैंडिंग है। ये अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स आपने कॉपी में नहीं लिखनी है, आपने काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आपने टाइटल बनाना है कैट का। देन उसके बाद आपने पोइम को राइट करना है एक बार। और उसके बाद ये देखिए वर्ड सिनोनियम मीनिंग्स यहाँ लिखी हुई हैं। वर्ड्स सिनोनियम एंड मीनिंग्स, जो वर्ड्स का और मीनिंग्स का कॉलम है ये तकरीबन सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और जो सिनोनियम्स का कॉलम है वो थोड़ा सा हमारे पास वाइड होगा, यानी चौड़ा होगा, उसको आपने चौड़ा रखना है। और जो ये लाइंस जो हैं, ये कॉलम जो हैं, ये आपने पेन स्केल से ड्रॉ करने हैं। ये आपने किसी कॉपी से या अक्सर बच्चे जो होते हैं वो अनस्मूथ सरफेस से जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, उससे ड्रॉ नहीं करने। उसके बाद यहाँ पर आपके वर्ड्स सिनोनियम मीनिंग्स जब एंड हो जाएगी तो जो वर्ड सेंटेंसेस हैं वो आपने नेक्स्ट पेज से करने हैं। चाहे वर्ड सिनोनियम के बाद आपकी दो लाइंस बचें चाहे तीन लाइंस बचें, लेकिन आपने वर्ड सेंटेंसेस अगले ही पेज से स्टार्ट करने हैं। और जब आप क्वेश्चन आंसर करने लगेंगे तो क्वेश्चन आंसर का भी यही रूल है कि क्वेश्चन आंसर भी आप अलग पेज से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी उस पेज से स्टार्ट नहीं करेंगे। लास्ट में मैंने आपको यहाँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने अपनी कॉपी में राइट नहीं करने, इन्हें आपने सिर्फ लर्न करना है, लर्न फॉर डिक्टेशन के लिए। और ये आपका असाइनमेंट है जो आपने कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में उतारना है। आपकी पेंसिल अच्छे से शॉर्प होनी चाहिए और डबल राइटिंग नहीं होनी चाहिए। इस तमाम चीज़ों का ख्याल रख के आपने काम करना है। और लिखते वक्त आपने देखें ये मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है और उस एक वर्ड के बाद मैंने जो है वन फिंगर का गैप दिया हुआ है। आपने भी अपनी एक वर्ड लिखने के बाद वन फिंगर का गैप देना है, देन अदर वर्ड लिखना है, ताकि जो कुछ भी आपने राइट किया हुआ है वो टीचर को अच्छे से समझ आ जाए। मुझे उम्मीद है आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी और इसका असाइनमेंट का क्या तरीका है वो भी अच्छे से समझ आया होगा। आप अपनी असाइनमेंट कॉपी में अच्छे से करें। अल्लाह हाफिज़।